एक दफा ना ये रियासत, ये एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा दिल गुर्दा करके बताए कि कर्नल शेर की कहानी आपको कैसे पता चली कि वो इतनी दिलेरी से लड़ा था। आप तो छोड़ आए थे, बुक्स मौजूद हैं जिसमें आपने मेंशन कर दिया हुआ है कि जी आपकी कोई सप्लाई लाइन ही नहीं थी वहां, खाने के लिए उसके पास 24 घंटे में एक चम्मच चीनी से ज्यादा का मटेरियल नहीं था। उसने तो अपने सारे जवानों को कह दिया कि वापस चले जाओ, मैं इधर खड़ा रहूंगा। उसकी दिलेरी की कहानी आपको ब्रिगेडियर बाजवा ने बताई जो इंडियन साइड चला रहा था। एक सिख ने कहा कि कर्नल शेर बहुत दिलेर आदमी है, तो आपने उसको ओन किया। सोचे वो उसकी बॉडी ना वापस करते, आज आपके पास कर्नल शेर की यादगार होती? आप तो अपने 2000 फौजी को कारगिल में मरने के लिए छोड़ आए, आज आप हमसे कह रहे हैं इनकी यादगारों को ना नुकसान पहुंचाओ। बिल्कुल इनकी यादगारों को नुकसान नहीं पहुंचा, जिन्होंने इनकी यादगारों पे अटैक किए उनके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने चाहिए। फिर एक बार ना मुशर्रफ को भी मेरी तरफ से कब्र से निकाल के ट्रायल करें उसका, जो उनको सियाचिन में छोड़कर आया था। उनको आप गॉड ऑफ ऑनर देकर रुखसत कर देते हैं? यार ये क्या बेहूदगी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे अगर अभी कर्नल शेर को भी ओन करना है, आप यकीन करें मुझे दुख होगा कि कल लोग कर्नल शेर को भी गाली दे रहे होंगे इसी नैरेटिव के जरिए, कहेंगे झूठा। आपके जो असल हीरोज हैं उनको भी इसी वजह से गालियां पड़ रही हैं क्योंकि आप कल्प्रेट्स को सजा नहीं देते। सारे कल्प्रेट्स आपने निकाल दिए, आज आपको याद है एम एम आलम का जहाज जला दिया, बहुत दुख की बात है। तो एम एम आलम की भी पूरी तारीख बता दें कि उसको 71 में जहाज क्यों नहीं दिया लड़ने के लिए, वो टीवी पे आ रहा था, आप उसे बोलने नहीं देते थे। अंदर बहुत सारे मसाइल है ना, तो जिनको आप हमारा हीरो बना रहे हैं, हमें फिर उन हीरोज की कहानियां भी पूरी सुनाएं।